आधीश की जय खुशाई जी परम दयालु की जय श्याम सुंदर श्री बने महारानी की जय श्री गिराजरण की जय श्रीनाथ प्यारे की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सो वैष्णवन गुज श्री कृष्ण आप श्रवण कर रहे हैं दो सौ बावन वैष्णव वार्ता आज एक सौ दिवस भाग एक सौ चौबीस और प्रारंभ करें हैं तो सबको जय श्री कृष्ण अब श्री गोसाई जी के सेवक एक कुंभी पटेल निष्किंचन गुजरात में रहते तो इनकी वार्ता को भाव कहते हैं भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त लीला में इनको नाम सत्या है ये पहले द्वारिका लीला में तन्मद्याग की सखी ही प्रगति हैं तथा उनके भाव रूप है ये जा प्रकार ब्रजलीला में अंगीकार वही सुबात ऊपर कहे आए हैं ये गुजरात में कुनवी पटेल के घर जन्म्यो सो एक समय श्री गुसाई जी आप द्वारका जी पधारे गांव में डेरा किए तभी कुंभी पटेल बीस बरस को हो तो सुवैष्णवन के संगते शरण आयो और ये निष्किंचन हो तो या कोई माता पिता कून आई घर में ही रहे सो एक समय श्री गुसाई जी के साथ सेवक दिव्य पात्र वो संग व गांव थे श्री गोकुल को चलो श्री गोसाई जी के दर्शनार्थ तब या कुंभी वैष्णव ने मन में आई जो श्री गोसाई जी के दर्शन किए बहुत दिन भय ताते श्री गोकुल जाए श्री गोसाई जी के दर्शन करो तो आचो ऐसा विचार के ये कुन भी वैष्णव व संग में श्री गोकुल को चलो सुबह तो के पास थोड़े से चोखा थे और तो कछु हतो नहीं ही सुबह चोखा संग लिए मन में कहे जो ये श्री गोसाई जी को भेंट करूँगा वार्ता प्रसंग एक सुश्री गोसाई जी के सेवक आठ सुश्री गोकुल आए तामे सात वैष्णव तो द्रव्य पात्र तीन तो श्री गोसाई जी को भेंट धरी और वह एक निष्किन वैष्णव तो तापास भेंट को थोड़े से चोखा थे सो उन चौखान को वह वैष्णव छिपाए राके सुश्री गोसाई जी ने आप वैष्णव थे मांग ली नहीं पाछे उन चौखान में थे थोड़े से श्री रवनीत प्रिया जी की रसोई में दी ने और थोड़े से चोखा श्री गोसाई श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ तरैठी में पठाए दिए या में यह जताया जो दीनताभ ते लाई भेंट प्रभु मांग के प्रेम स्वंगीकार करते हैं तो वार्ता प्रसंग दो और एक समय पूती कहा, और तो श्री गोसाई जी पूी खुल कहाँ कथा कहते और वैष्णव बैठे आते तब श्री गोसाई जी मुक्ति कहे जो सुनवे बारह वैष्णव आवे तो बाँचो तब सब वैष्णव आप उसमें देखे जो कौन रहो है तब वह वैष्णव चूखा वारा आयो तब आप कथा कहे तब था एक वैष्णव डीट सुहतो सुबह ने श्री गोसाई से विनती करी जो महाराज और तो कु वैष्णव आयो नहीं एक या दुर्बल मजूर सो वैष्णव आयो है तब आप कथा कही सो कहा कारण तब श्री गुसाई जी कहे जो जाके मन में अहंकार है द्रव्यादिक को सो हमारे द्रव्य हृदय को हार्द न समझेगो यह निरहंकार है ताते हमारो वैष्णव है यह प्रकार से गोसाई जी कहे तो सब वैष्णव लज्जा पाए कि चुप हो ही रहे यह प्रकार वह वैष्णव पर श्री गोसाई जी कृपा करते बा प्रकाश यहाँ में यह जताया जो अहंकार भगवत धर्म में बाधक है वार्ता प्रसंग तीन और एक समय वही आठ जने श्रीनाथ जी द्वारा आए तहाँ सात संपन्न वैष्णव सवन सौ मिलवा मिलाप उनको बहुत हो तो सो तो एक आछी ठोर उतरे जाए के और वह गरीब वाह को कौन पूछे सुबह वैष्णव भूखो को प्यासू वहाँ घाट पर पड़े रहो सो वै वैसो वै ही तो वह दुर्बल तैसी सीत सो धूजन लागो सो वाह के ताप श्रीनाथ जी सो सहयो न गयो सो श्रीनाथ जी अर्धरात्रि के समय महाप्रसाद और जल और आपके ओढ़वे की सुफेदी लेके आए श्री गोवर्धन नाथ जी आप वहाँ वैष्णव के पास पधारे सु को महाप्रसाद लिवाए जल पिवाए वैष्णे वाह को उड़ाए के आप तो अपने मंदिर में पधारे सुबह वैष्णव तो कुछ कुछ जाने ना ही तब आज श्री गोवर्धन नाथ जी यह सब समाचार श्री गोसाई से कहे जो ऐसी भई है जो वह दुर्बल वैष्णव सो मेरो स्नेह वा के हृदय में बहुत है सो वहाँ पे आयो ना गयो सोइे सात हो वैष्णव वा को वह घाट पे ही अकेलो छोड़ के आए सुबह भूखो वहाँ ही परे रहो सो तब रात्रि को मैं अब हाथ सो वाह को मापसाद और जल और ओढ़वी को अपनी सफेदी दे आयो हूँ सो इनको तुम समझाए दीजो जो वाह को ऐसो ना छोड़ो करे और अब तुम वा को बुलाए लो ऐसे के श्री गुसाई जी आप पधारे वैष्णवन सो होजल लागे जो साथ में रह के गरीब की खबर ना ही राखत तभी सातों जनी वाह को <coughs> अपने साथ जाए के लेके ले आए तादिन थे ये सातों वैष्णव ताकि खबर राखने लागे वाह को अकेले न छोड़ें जो वैष्णव के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी ऐसी कृपा करते महाप्रकाश या मैं यह जताए जो वैष्णव को जीव मात्र में दया राखनी सुबह वैष्णव श्री गोसाई जी को ऐसा कृपा पात्र भगवदीय है तो ताते उनकी वार्ता को पार ना ही सु कहाँ तयी कहिए यहाँ वार्ता प्रसंग सौ विश्राम हुए और यहाँ से आगे अब श्री गोसाई जी के सेवक देवा भाई कुन गुजरात के तिन की वार्ता को भाव कहते हैं ये राजस्व भक्त लीला में इनको नाम रति सूरी है ये पहले द्वारिका लीला में तन्वध्या की सखी हैं तन्वध्या प्रकटी हैं सो तन्मध्या, है। तो तन्मध्या सत्यभामा की सखी हैं तिनके ये भाव रूप है सो इनकी ये जा प्रकार लीला में प्राप्ति वही सो ऊपर कह आए हैं ये गुजरात में एक कुंभी के जन्मे सो इनको पिता खेती कर दो तो। पाछे ये हु बरस बारे के भाई तब देख खेती कर लागे तपाचेन को ब्याह भयो चार बेटा हुआ वार्ताप एक सो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात पधारे सुमारक में देवा भाई के गांव में डेरा किए सो देवा भाई वैष्णव के संग श्री गुसाई जी के दर्शन को आए तब श्री गुसाई जी से विनती की गई जो महाराज कृपा करके शरण दीजिए तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो तुम तो स्नान करे आओ तब देवा भाई और देवा भाई की स्त्री दोन ढहा के, दो के आए तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके दोन को नाम निवेदन करवाया और देवा भाई के घर के और बीस हते तीन को कृपा करके नाम सुनाया तब तो देवा भाई ने विनती की नहीं। जो महाराज कृपा करके श्री ठाकुर जी पधराए दीजिए और सेवा की रीत भाँत कृपा कर समझाइए तब तो श्री उसाई जी कृपा करके सेवा पधराए दिए और सेवा की रीत भात सब सिखाई पाछे श्री उसाई जी ब्रह्म संबंध को तात्पर्य देवा भाई को समझाए कहे तब देवा भाई तैसे ही सेवा करने लागे वार्ता प्रसंग दो और उनके बेटा तो सुखेती कर दो और देवा भाई तो भगवत सेवा करते सुदेवा भाई नित्य दो वैष्णव को महाप्रसाद लेवाए के पाछे आप महाप्रसाद लेते और जितनों द्रव्य कमावते वह सब श्री गोसाई जी को पधराए भेंट कर देते और गृहस्थाई में खर्च प्रमाण सो करते और सदा सुलभ स्वभाव सो ही रहते और ब्रह्म संबंध करे पाछे जो द्रव्य कमावते वह सब श्री गोसाई जी को जानते और ठोर बहुत खर्च खर्च थे नहीं यह रखिए सो बहुत डरप थे सु ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करते सो श्री ठाकुर जी सानभावता जनावन लागे बिजलीला को अनुभव करावते सो वे देवा भाई ऊपर श्री गुसाईं जी सदैव प्रसन्न रहते यह वार्ता का अभिप्राय यह है जो वैष्णव निवेदन को सदा सर्वदा स्मरण राखे अपने द्रव्यादिक को और ठोर खर्च करे नहीं काय थे जो ये प्रभु को द्रव्य ताते अन्य विनियोग न होने दे, यह प्रकार अनन्य है सेवा करे तो ठाकुर निश्चय अनुभव जतावे सो ये देवा भाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र परम कृपा पात्र भगवती आते ताते इनकी वार्ता कहाँ कहिए यह वार्ता प्रसंग एक एक विश्राम हो है, और आज की वार्ता को यहीं विश्राम करें सब वैष्णव को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे